हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के लिए सिविक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को, और यहां आपको प्रोवाइड होते हैं 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए और साथ के साथ इनको याद करते चलिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। राइट आंसर, मैक्यावली ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। और आप सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिग्रहण आने वाले समय में विद्रोह का कारण बन सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपत्ति की हानि को नहीं भूलता है। वहीं मैक्यावली किस देश का था, तो यह इटली का था। मैक्यावली ने द प्रिंस नामक बुक में पहली बार द स्टेट शब्द का प्रयोग किया था, मीन्स राज्य शब्द का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। राइट आंसर, हॉब्स आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अरस्तु की उपेक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शहर की तरह नहीं होगा, यहाँ पर शेर होगा, तो राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह किसने कहा था, मैक्यावली ने कहा था कि राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। जब भेड़ियों को डराना हो तो राजा शेर की तरह होना चाहिए, और जानकारी इकट्ठी करनी हो तो राजा को लोमड़ी की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो ने दिया था, यह बिल्कुल करेक्ट है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क का है, ये भी करेक्ट है। वहीं उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का, ये रॉन्ग है, बिकॉज प्लेटो का जो सिद्धांत है वो आदर्शवादी सिद्धांत है। वहीं सामाजिक प्रासंगिकता सिद्धांत रूसो का है, तो ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, डी लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद, यह एंजल्स का नहीं है, यह लेनिन का है। तो डी आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल की है, सुख एवं दुख गुणक ये बेंथम की, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर की, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है ऑप्शन होगा, यहाँ पे एंजल्स की जगह लेनिन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, प्लेटो ने पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साम्यवादी योजना को प्लेटो ने दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला संपत्ति का साम्यवाद था, तो वहीं दूसरा क्या था, पत्नियों एवं परिवार का साम्यवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबियों की साम्यवाद की वकालत किसने की। राइट आंसर, प्लेटो ने इसकी वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, साम्राज्यवाद, ये गलत है, नगर राज्यों का विनाश, ये भी गलत, अभिभावक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग की महिला के शोषण का, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का इन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। यदि हम बात करें दार्शनिक का शासन, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, ये भी ठीक है। तो नर और नारी समान अधिकार, ये भी करेक्ट है। देखिए फीमेल एंड मेल दोनों को इक्वल राइट होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पुरुष प्रधान परिवार, ये इसका राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित हैं, वह किसका है, उपयोगितावाद, समाजवाद, फासीवाद, ये सभी। देखिए ज़्यादातर ऑप्शंस जब आपको सभी वाले मिलते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि राइट आंसर डी होता है, उपरोक्त सभी।
तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में तो आप डायरेक्टली डी ऑप्शन लगाए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो डी ऑप्शन लगा दे सभी पे। अगर आपको आता है तब तो आप चूज कर पाएंगे, अगर नहीं आता तो डी ऑप्शन लगाएं और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्लूटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो यहां पर इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, कार्ल पॉपर ने प्लूटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। वहीं कार्ल पॉपर की बुक कौन थी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, यह कार्ल पॉपर की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसका है? तो राइट आंसर हॉब्स का यह मत है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? यदि हम बात करें तो राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य क्या है, साध्य का एक साधन है, तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है? तो यह है उदारवाद का सिद्धांत, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य व्यक्ति की वृहद स्वरूप है? राइट आंसर प्लूटो ने कहा था राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का है, यानी कि जो राज्य है वो लोगों से पहले का है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर बी अरस्तु का यह कथन है कि राज्य लोगों से पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था? राइट आंसर अरस्तु ने सरकारों के सुव्यवस्थित वर्गीकरण को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, मेंस डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों को वर्गीकृत किया है। शासन का उद्देश्य है लोक कल्याण, यदि वह लोक कल्याण करता है तो वह सरकार अच्छी है, अथवा वह सरकार विकृत सरकार है यदि वहां पर स्वार्थ छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? राइट आंसर जेलिनेक ने यह कहा है कि आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। देखिए, संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वहीं अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और इंडिया का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? राइट आंसर शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और अरस्तु ने प्लूटो के स्टेट्समैन में किए गए वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है क्या विकास का परिणाम ही? अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है, और अरस्तु की बुक्स कौन सी हैं, पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक जिसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है किस बुक में? तो राइट आंसर पॉलिटिक्स में यह प्रतिपादित है अरस्तु का राजनीतिक विचार। वहीं स्टेट्समैन किसकी है, प्लेटो की, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि
कई बार ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर डी करेक्ट नहीं हो सकता, बट आपको जब आता ही नहीं, कुछ भी पता ही नहीं है, फिर तो डी लगाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, टी एच ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो राइट आंसर क्या है, गार्नर। इस क्वेश्चन को मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। राइट आंसर बी गार्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा है? तो राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु, रूसो, प्लूटो, लॉस्की, क्या है राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।